Today we are going to study a practical process that how to make a culture media for the growth of microorganism. अगर simply समझा जाए तो इसे सब ऐसा बोलेंगे कि अगर कोई भी microorganism हमें उगाना है, अगर कोई भी microorganism की growth करानी है हमें laboratory में, तो हमको एक specific culture media चाहिए होगा उसके लिए कि वो microorganism उसके अंदर grow कर सके, क्योंकि उसको भी nutrition की requirement होती है उसकी growth के लिए. सो उस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो जो मटेरियल है हमारे, उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया. उस कल्चर मीडिया को बनाएं कैसे, सो उसे देखते हैं कैसी क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या इंग्रेडिएंट उसके लिए हमें ज़रूरत होगी. सबसे पहली चीज़ तो हमें जो कल्चर मीडिया है, जैसे ये है EMB अगार पैक बॉक्स जो कि 500 ग्राम्स का है, जैसे ये स्पेसिफिक ईकोलाई के लिए होता है. तो कोई भी जो भी हमको स्पेसिफिक बैक्टीरिया या कुछ भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगाना है या ग्रोथ करानी है, तो उसको ग्रोथ के लिए हमको स्पेसिफिक मीडिया चाहिए. जैसे हम यहाँ पर अभी ईकोलाई को ग्रो कराने जा रहे हैं, तो हमको ईएमबी अगार की ज़रूरत होगी. तो ईएमबी अगार ले लीजिए. अगर हमको कोई दूसरा कोई कॉमन बैक्टीरियाज उगाना है, तो हमें न्यूट्रिएंट अगार की ज़रूरत होगी. तो न्यूट्रिएंट अगार आपके पास होना चाहिए. अगर बाई चांस ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपके पास जो बने बनाए मीडियाज हैं वो नहीं होते, तो क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला के हमको मीडिया तैयार करना पड़ता है. जैसे मैंने ये न्यूट्रिएंट अगार का मीडिया बनाया है, क्योंकि मेरी ये बॉटल जो न्यूट्रिएंट अगार की थी वो ख़त्म हो चुकी थी. तो मैंने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट अगार के कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जैसे पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl एंड वन मोर इज देयर, सो इन सबको मिला करके मैंने क्या किया, न्यूट्रिएंट अगार का अपना एक बॉक्स बना लिया, जिसके अंदर मैंने एक स्टॉक बना लिया न्यूट्रिएंट अगार का. सो आपको पहली चीज़ चाहिए कल्चर मीडिया. दूसरी चाहिए कॉनिकल फ्लास्क, जो कि आपको वेल स्टेराइल हो और साफ़ सुथरा हो. दूसरी चीज़, उसके ऊपर एक कॉटन प्लग ज़रूर होना चाहिए. कॉटन प्लग ऐसा हो कि आप कॉटन प्लग को पकड़ लें और नीचे का जो ग्लास वेयर है वो गिरे ना. तो कॉटन प्लग इतने टाइट होना चाहिए. एक चाहिए आपको मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, ताकि आप वाटर को मेज़र कर सकें इसमें. एक चाहिए आपको पेट्री प्लेट जिसके अंदर आप कल्चर को पोर कर सकें. सो स्टेप से पढ़ते हैं कि क्या समझते हैं कि कैसे आखिर कल्चर मीडिया को बनाना चाहिए. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो EMB अगार का मीडिया है हमारे पास, उसको हम वेइंग मशीन के ऊपर वे कर लेंगे. अगर हमको 100 ml बनाना है, तो यहाँ पर हमको कितना है ना, 36 ग्राम्स इन 1000 ml. तो अगर हमको 100 ml बनाना है, तो हमको इसका जस्ट 10 टाइम्स था उसको गिराना पड़ेगा. तो ये हमको लेना पड़ेगा 3.6 ग्राम्स इन 100 ml. सो हम क्या करेंगे, 3.6 ग्राम्स इन 100 ml के लिए इसको वे करेंगे. सो ये जो हमने जो ये कल्चर मीडिया लिया है, इस कल्चर मीडिया को हमको क्या करना है, ये जो हमारी स्टेराइल कॉनिकल फ्लास्क था उसके अंदर एंटर करा देना है. इसको एंटर कराने के बाद ये हमने किसके हिसाब से लिया, 100 ml के हिसाब से. तो ये जो 100 ml के लिए हमने कंस्टिट्यूएंट लिया, इसमें आपको हमको 100 ml वाटर को पोर करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना है, जो 100 ml वाटर है वो मेजरिंग सिलेंडर में मेज़र करना है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बॉटल है इसके अंदर डिस्टिल वाटर भरा हुआ है. कोई आम वाटर हम यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं. That's why we are using distilled water here. So, इसको 100 ml तक मेकअप करेंगे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर. जैसा कि आप देख सकते हैं, 100 ml तक आ चुका है पानी. अब इस जो वाटर है, हमारा डिस्टिल वाटर है, इसको हम जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर मिला देंगे. इसको मिलाने के बाद हम इसको वेलली शेक करेंगे. और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, कि अगर हम इसको पैक करने, मतलब ऑटोक्लेव करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमको इसको थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा. हॉट प्लेट पे इसको गर्म करना होगा. सो इसके बाद क्या करेंगे, गर्म होने के बाद इसके ऊपर कॉटन प्लग लगाएंगे. जो हमने कॉटन प्लग इसके लिए रेडी किया था स्टेराइल कॉटन से, इस कॉटन प्लग को लगाने के बाद हम इसको फॉइल से रैप कर देंगे. उसका जो फेस है ऊपर का, उसको फॉइल से रैप कर देंगे. ये फॉइल लेंगे और फॉइल से इसको बॉटल को रैप कर देंगे. इस तरह से रैप करने के लिए अभी मीडिया रेडी है ऑटोक्लेव करने के लिए. और साथ ही ये जो प्लेट है, जिस प्लेट में हम मीडिया को लेंगे एज अ सॉलिड मीडियम, तो उस प्लेट को
इस तरह से ये जो मैंने फॉइल रख रखी है पुरानी रैप करी हुई, इस तरह से कुछ जो भी ब्लड हमको चाहिए उनको इन फॉइल के अंदर रैप कर देंगे, ऑटोक्लेव में रख सकते हैं। सो अब हम मीडिया को ऑटोक्लेविंग के लिए लिया है, तो ऑटोक्लेव को चलाने से पहले हमें सिर्फ ब्रीड देना पड़ेगा 15 to 20 minutes, जो कि मैंने प्रीहीटिंग इसकी पहले कर रखी है। सो हमको सिर्फ इतना सा करना है कि यहाँ पे ऑटोक्लेव को खोलेंगे हम इस तरह से। ऑटोक्लेव का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो वो अभी आप चेक कर सकते हैं कि ऑटोक्लेव का यूज़ कैसे करें और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम ऑटोक्लेव के अंदर रख देंगे और ऑटोक्लेव का जो है वो वापस रन कर देंगे। मीडिया हमारे लिए रेडी होगा क्योंकि वो स्टेराइल होगा और वो डिस्क भी जो हमने जो पेट्री प्लेट रखी है वो भी स्टेराइल होगी। इसी तरह से हम ब्रोथ मीडिया भी बना सकते हैं। ब्रोथ मीडिया में जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड अगार वाला मीडिया लिया, जिसकी वजह से अगर हम उसे प्लेट पे डालेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ब्रोथ मीडिया में ऐसा होता है कि वो सॉलिडिफाई नहीं होता, बस सेम कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, बस उसमें अगार का मीडिया नहीं होगा। ब्रोथ मीडिया को हम टेस्ट ट्यूब्स में बनाते हैं और उसको ऑटोक्लेव सेम तरीके से करेंगे ताकि हम आगे के कल्चर में जो भी होंगे हमारे बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गनिज्म उसे ग्रो कर पाएंगे। सो ये था कि हाउ टू मेक द कल्चर मीडियम फॉर द माइक्रो ऑर्गनिज्म। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया किसी भी तरह हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सच लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।